हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पीरियड्स डिलेइंग मेडिकेशन के बारे में बताऊंगी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनको कभी कभी जैसे कि किसी पूजा पाठ में बैठना है या तो घर पे कोई मांगलिक कार्यक्रम है या तो कोई पर्सनल कार्यक्रम है या तो कोई इंटरव्यू में जाना है या तो कोई मीटिंग्स में जाना है, तो उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि उस समय कोई पीरियड्स का जो डेट रहता है एक्सपेक्टेड डेट वो उस समय वो आ ना जाए। तो वो चाहती हैं कि वो कुछ दिन के बाद आए या कुछ दिन 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद आए। इस कंडीशन में ये जो मेडिकेशन है पीरियड्स डिलेइंग मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उनको डिले करने में हेल्प करता है। जो एक्सपेक्टेड डेट रहता है पीरियड उससे 3 से 4 दिन के बाद लेके आता है या तो 1 हफ्ते के बाद लाता है। जैसे वो चाहती है जब तक उस मेडिकेशन को खाती है तब तक वो पीरियड्स नहीं होता है। ये जो मेडिकेशन है इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज देखेंगे। तो इसका नाम है नॉरएथिस्ट्रॉन टैबलेट। ये नॉरएथिस्ट्रॉन टैबलेट 5 mg के फॉर्म में आता है, जो कि इसका नाम है प्राइमोल्ड एन 5 mg के फॉर्म में आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइमोल्ड एन 5 mg, इसका जो काम रहता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह इसका काम रहता है। ये प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन भी बोलते हैं इसको, जो पूरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जैसे वर्क करता है। यूजफुल देखेंगे कि कब कब इसको यूज किया जाता है। तो इसको यूज किया जाता हैवी पेनफुल इररेगुलर ब्लीडिंग, ऐसे जो पीरियड्स बहुत ज्यादा इररेगुलर हो रहा है, हैवी हो रहा है और पेनफुल ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं इसको। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS, ये जो सिंड्रोम होते हैं ये साइनेंट सिम्टम होते हैं। साइनेंट सिम्टम मतलब बहुत सारे लक्षणों का गुच्छा। तो ये साइनेंट सिम्टम जो होता है वो मेंसेस से पहले आने वाले जो साइनेंट सिम्टम होते हैं, किसी किसी लड़कियों में, किसी किसी वुमेन्स में ये लक्षण दिखते हैं। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसमें इसको दिया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम लेयर में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन होना, इस कंडीशन में दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर जो होते हैं उसमें इस मेडिकेशन को दिया जाता है ताकि ये ठीक हो सके। अब हम लोग देखेंगे ये मेडिकेशन कैसे काम करता है। इसका वर्क ऑफ एक्शन है इट विल बी इंक्रीजिंग। ये किसको इंक्रीज करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आप लोग को मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, फॉर द एग्जांपल ये आपका यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यहां से कनेक्टेड ओवरी है, ये इसका फिम्ब्राई है। जनरली क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है, ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है इसका सेडिंग डाउन होता है। ये सेडिंग डाउन हो करके वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आउट होता है। वो क्यों होता है? जब हमारा ये ओवरीज है वो ओवम बनाता है, ओवम बनाने के बाद ओवम ट्रैवल करके यहाँ पे आता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम में वो यहाँ पे आके वेट करता है कि यहाँ से कोई स्पर्म का मीटिंग हो। फॉर द एग्जांपल ओव्यूलेशन के टाइम में अगर मान लो इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म आया, एंट्री किया, तो ये जो ओवम है, ओवम का जो लेयर होता है आउटर लेयर, आउटर लेयर जो कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम यहाँ बच जाता है और अगर मान लो यहाँ पे स्पर्म ओवम को नहीं मिला उस समय, अगर इनका मीटिंग नहीं हुआ तो ये जो ओवम है वो रिलीज हो करके यहाँ से बाहर आउट हो जाता है। लेकिन अगर ये स्पर्म मिल गया तो ये आगे जा करके फर्टिलाइजेशन कॉज करता है। तो जब ये बाहर आउट हो जाता है, मान लीजिए यह स्पर्म नहीं आया और ये शेडिंग डाउन होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो ओवम है वो बाहर आउट हो गया, वजाइना के थ्रू बाहर आउट हो गया और बाकी जो प्रोसेस होता है हार्मोनल प्रोसेस होता है। बाकी जो प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये आउट हो गया तो कॉर्पस ल्यूटम जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और इस्ट्रोजन हार्मोन इनके लेवल को इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और इस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो यहाँ जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ठीक होगा, ठीक होगा, इसकी परत मोटी बनेगी। जितना ज़्यादा ये ठीक होगा उसके बाद जब आपके मेंसेस आएंगे तो मेंसेस आने के समय प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन यहाँ एंडोमेट्रियम के लेयर को बनाए रहता है वो एंडोमेट्रियम लेयर शट डाउन हो करके टूट के झड़ के वजाइने के थ्रू ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर डिक्रीज हो गया और ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ गई मतलब ये प्रोजेस्टेरोन का काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइमोल्ड टैबलेट है, प्राइमोल्ड टैबलेट
टैबलेट वो क्या काम करता है, वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है। इंक्रीज यूं करेगा कि इसको शेडिंग डाउन होने नहीं देगा, जब तक आप इस मेडिकेशन को खाएंगे तब तक इसको शेडिंग डाउन होने नहीं देगा, किसको, इस एंडोमेट्रियम लेयर को, एंडोमेट्रियम लेयर को शेडिंग डाउन होने नहीं देगा, जिसकी वजह से यहाँ ब्लीडिंग नहीं होगी। ब्लीडिंग नहीं होगी तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका मेंसेस नहीं होगा, पीरियड्स नहीं होगा, जब तक आप इस टैबलेट को खाते रहेंगे तब। तो इसी प्रकार ये जो टैबलेट है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ मतलब शेडिंग डाउन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट किस लिए है, एंडोमेट्रियम लेवल को ठीक करने के लिए, एंडोमेट्रियम लेयर को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू यूज दिस मेडिकेशन, जो पीरियड चिलिंग मेडिकेशन उसको कैसे यूज करना है। तो पीरियड चिलिंग मेडिकेशन में सबसे पहले है कि आप जब आप उस पीरियड को जब तक डिले करना चाहते हो तब तक आपको उस मेडिसिन को खाना है, और जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड्स है तो उसके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड्स के 3 से 4 दिन पहले आप उस पीरियड्स के मेडिकेशन को खाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको आज तारीख है 12 तारीख, तो आपको कम से कम 9 तारीख से आपको खाना स्टार्ट करना है इस मेडिकेशन को, तब ये असर करेगा। दूसरी बात, इसको आपको दिन में 2 बार या तो 3 बार खाना है, सुबह शाम रात इस तरीके से खाना है। अगर आपने इसका एक भी डोज मिस कर दिया तो आपका पीरियड्स वापस से आ जाएंगे। तीसरा, मिस डोज और लेस डोज विल नॉट हेल्प यू टू डिले योर पीरियड्स और स्टॉप। अगर आपने मिस कर दिया या तो आपने लेस डोज कम मात्रा खा ली, जैसे कि दिन में 3 मेडिसिन खाना लेकिन आपने सिर्फ 2 मेडिसिन खा लिया, तो आपको इसका मेडिकेशन का कोई असर नहीं होगा और आपको पीरियड्स वापस से आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इसको आपको हैबिट में नहीं लेना है कि हर महीने हम इसको खाते रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो पीरियड का जो होने का जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई प्रेगनेंसी का केस है तो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, आपको अगर कोई ऐसा सिम्टम दिखते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, या तो आपको मेडिकेशन लेने के लिए अवॉइड करना है, पीरियड्स मेडिकेशंस को भी नहीं खाना है। जैसे कि इसको खाने के बाद अगर आपको हेडेक आ रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, या तो आपके आँखों में दिखने की जो क्षमता है विजन करने की वो सब कम हो गई है, धुंधलापन दिख रहा है, या तो आपको कोई स्टेबिंग पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सीने में, ऐसा टाइप का फील हो रहा है, या तो आपके पाँव में स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गया हाथों में पाँव में, या तो जब आप सांस ले रहे हो तो सीने में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ब्रीथिंग करते समय, या तो आपको पूरा स्किन येलो कलर का हो गया है, इस कंडीशन में आपको इस मेडिकेशन को सडन स्टॉप करना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई तकलीफ आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइड इफेक्ट भी हो सकता है इस मेडिकेशन का, तो जैसे कि आप इसको खाए हो, अगर कंटिन्यू इसको हैबिट में ले रहे हो तो आपको अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग होगा। अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग मतलब कभी भी किसी भी समय वजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिजीनेस, चक्कर आएंगे, हेडेक होगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट में पेन होगा, टेंडरनेस फील होगा, इस तरीके के कुछ साइड इफेक्ट दिखेंगे इस मेडिकेशंस को खाने के लिए। तो आज हमने इस टॉपिक में पूरा देखा कि ये जो पीरियड चिलिंग मेडिकेशन क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका क्या क्या यूजेस है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, और कब कब इसको खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस कंडीशन में खाना चाहिए, इस सब के बारे में आज हमने अच्छे से डील किया। आई होप आज की टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।